उत्तराखंड की सियासत में बड़ी हलचल की खबर है। दरअसल बीते दिन अचानक केंद्रीय नेतृत्व ने कोर कमेटी की बैठक बुलाई थी, जिसके लिए केंद्रीय आला कमान ने देहरादून में दो पर्यवेक्षक भेजे थे। वहीं राज्य के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी इस बैठक के लिए गैरसैंण के सत्र को अनिश्चित काल के लिए छोड़कर देहरादून पहुंचे। हालांकि बैठक के बाद बैठक को लेकर चल रही अटकलों पर बीजेपी नेताओं ने 18 मार्च के कार्यक्रम का हवाला दे दिया, लेकिन अब चर्चाएं और तेज बढ़ने लगी हैं। वहीं अब सियासी हलचल के बीच पूर्व सीएम हरीश रावत का ट्वीट आया है। ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि राज्य में राजनीतिक अस्थिरता की चर्चाएं, कुछ लोग दिल्ली में तो कोई मुंबई में नहा धोकर तैयार है, जिससे राज्य के नेतृत्व में किसी बड़ी उथल पुथल का अंदाजा लगाया जा रहा है। हर खबर में होगी हमारी नजर। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।